साथ मैं हूं आपकी दोस्त। आज हम बनाने जा रहे हैं किस क्रिस्पी फ्राई, केएफसी स्टाइल का बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन। जिसके लिए चाहिए हमें घर के कुछ मसाले और चिकन, और झटपट बन जाएगा ये क्रिस्पी फ्राई। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको आप फॉर्क के साथ ऐसे कट्स लगा लें ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। आप चाहें तो आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो चिकन को है ये ऐसे कट्स लगा के रख लें। आप चाहें तो आप ये मसाला लगा कर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अप टू 4 वीक्स, और अगर आप चाहें तो आप फ्रेश लगा के भी इसको बना सकते हैं। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये कट्स लगा लिए हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपने चिकन को जो है टक लगा लिए हैं। अब हम इसके लिए मसाले जो यूज़ करेंगे, नमक, कलवंजी जो है आप कोशिश करें कि हर चीज़ में यूज़ करें, चाहे अ स्मॉल पिंच, एक छोटी सी चुटकी ही क्यों ना डालें, 2-3 दाने ज़रूर यूज़ करें। जो है ये अजवाइन है, हल्दी है, ज़ीरा जो है हमने सूखा यानी कि उसको हमने तवे पर फ्राई करके मैश कर लिया है, चाट मसाला, और ये हम ले रहे हैं टिक्का मसाला। आप चाहें तो आप टिक्का मसाला जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप लाल मिर्चें डाल लें या चाट मसाला ज़्यादा कर लें। अगर आप टिक्का मसाला डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। आएँ हम इसको मसाला लगाने का तरीका बताते हैं। जी व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम अपना सारा चिकन डालेंगे जिसको कि हमने अच्छा सा टक लगाए हैं। अब हम एक चम्मच इसमें डालेंगे सिरका, अगर आप चाहें तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह हम ऐसे इसको सिरके में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह आप ऐसे अच्छी तरह इसको ज़रा रब कर लें ताकि सिरका अच्छी तरह लग जाए। अब हम इसके अंदर अपने जो हैं मसाले वो डालेंगे, नमक, टिक्का मसाला जो है आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, चाट मसाला, सूखा ज़ीरा जो हमने भून के मैश किया हुआ है, हल्दी पाउडर, ज्वाइन और कलवंजी। जी, सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया है और इसको अच्छी तरह हम इसमें लगा लेंगे, थोड़ा दबा के रब करके लगाएं ताकि जो हमने इसमें टक लगाए हैं मसाला उसके अंदर चला जाए। जो केएफसी क्या होता है, जो क्रिस्पी फ्राई, वो हम लोग उनमें नमक मिर्च ज़रा लाइट होती है, लेकिन हम इसमें थोड़ा तीखा रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा तीखा बने। चाट मसाला डालने से जो है ये थोड़ा खट्टा हो जाएगा और टिक्के मसाले से इसमें टेस्ट आ जाएगा। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये मैरिनेट कर दिया है। अब आप इसको कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख दें, 30 मिनट्स के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ताकि जो नमक मिर्च है वो इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। जी व्यूवर्स, जैसा कि हाफ एन आवर हो चुका है हमारे जो चिकन को मैरिनेट किए हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो है हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब हम इसकी कोटिंग के लिए चीज़ें रेडी करेंगे। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी, हम क्रिस्पी चिकन को क्रिस्पी बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें चाहिए कुछ मैदा, सिंपल फ्लोर जो मैदा होता है वो हमने लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से ड्राई को मिक्स कर लेंगे। आप कोशिश करें कि मैदा थोड़ा लें और अगर चाहिए हो तो दोबारा ले लें, क्योंकि इस तरह मैदा ज़ाया काफ़ी होता है। जी, हमने ये नमक अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम
सबसे पहले जो करेंगे अपना एक पीस लेंगे कोई भी चिकन का मैरिनेट हुआ हुआ, उसको हम मैदे में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। जी, कोट करने के बाद इसको अच्छी तरह हम ऐसे झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। जी, ये देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा रिमूव हो गया। अब हम एक बोल में पानी लेंगे और अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन और मैदे में कोट किया हुआ चिकन इसके अंदर डिप करेंगे और बस। एंड अगेन हम इसको मैदे में कोट करेंगे। इसी तरह अगेन हम इसको कोट करके झाड़ कर ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाए और हम इसको रख लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी पीसेस के साथ जो है कोटिंग करेंगे। कोई भी एक पीस लिया, फर्स्ट कोटिंग अच्छी तरह करेंगे। आप चाहें तो आप ये पीसेस के अलावा अगर आप फुल चिकन लेना चाहें तो आप वो भी लेके इसकी कोटिंग इसी तरह कर सकते हैं। अगेन हम इसकी कोटिंग करेंगे और ऑयल हम फुल जो है वो लेंगे, गरम हुआ हुआ हीट हुआ हुआ ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम इसको पहले एक बार फ्राई करेंगे, फिर अगेन सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे। इसी तरह करके हम जो है अपना सारा जो चिकन है उसको, मैरिनेटेड चिकन को हम लोग जो है वो कोट कर लेंगे। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और मज़े मज़े की अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और मज़ीद आपके लिए हम और कौन कौन सी रेसिपीज़ लेकर आएँ, फ्राई में लाएँ, राइस में लाएँ, सालन में लाएँ के बेकिंग में लाएं। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारे चिकन की जो है कोटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो दूसरी दफ़ा आप ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर सकते हैं, एक बार मैदे में पानी में डिप करके और मैदे में कोटिंग कर सकते हैं। और जो ऑयल है वो हमारा हीट हो रहा है, इसके लिए हमें पैन एक लिया, पैन में हमें ऑयल भी ज़्यादा चाहिए और हीटअप भी ज़्यादा हुआ हो, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो आएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हीटअप हो चुका है हमारा ऑयल काफ़ी हद तक। तो अब हम इसके अंदर अपने जो हैं चिकन वो डालेंगे। ये देखें इस तरह हम ज़्यादा जो है वो नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल के हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन सिर्फ करेंगे, ज़्यादा नहीं, गोल्डन ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्रिस्पी से हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर हम इसको अगेन फ्राई करेंगे। एक दफ़ा के फ्राई में ही आप देख सकते हैं किस तरह का गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और अगेन हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह हम जो बाकी पीसेस बचे हैं उनको भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसी तरह गोल्डन से। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपना प्यार इसी तरह हम तक पहुंचाते रहें और हम आपके लिए मज़े मज़े की नई रेसिपीज़ लेकर आते रहें। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने वो पहले वाले निकाल के रख लिए हैं और बाकी जो हैं वो डाल दिए हैं। जब तक ये बाकी होंगे वो थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे और हम उन्हें अगेन डीप फ्राई करेंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमने जो दूसरे डाले थे वो भी अगेन हमारे ये देखें कितने मज़े के अच्छे से प्यारे से गोल्डन से ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम पहली दफ़ा में ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे कि जिससे ये जले हुए की यानी कि ये दूसरी दफ़ा करते हुए इनके जो ऊपर क्रिप्स हैं वो जल जाएं। जी, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और अगेन अब हम स्टोव पहले यानी कि स्टोव लो कर लेंगे, पहले जैसा हम
जो ऑयल है वो हीट नहीं रखेंगे। अब हम डालेंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे, जो एक दफ़ा फ्राई हो चुके हैं, अब हम उसको अगेन जो है नॉर्मल फ्लेम के ऑयल में हम डाल के फ्राई करेंगे ताकि जो इसका ऊपर क्रिस्प है वो अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए, इसीलिए तो इसका नाम है क्रिस्पी फ्राई। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर रेसिपी से आप लोग अपडेट होते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम कुकिंग से हटकर भी कुछ बनाएं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कुकिंग से हटकर भी आपके लिए कुछ लाएं। जी व्यूवर, जैसे कि आप देखते हैं, ये देख रहे हैं ये ब्राउन का जो क्रिस्प है ये और थोड़ा डार्क कलर में होने लग गया है। इट्स लुक वेरी यमी। आप इसको केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ खाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, फुल इंजॉय करें लाइफ को और हमारे चैनल को दो देखते रहें। देखेंगे तो आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी लाइफ इंजॉय करने के लिए। इसको आप और इमली की सॉस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें, वहाँ पे आपको इमली की चटनी का जो है वो लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप होममेड केचप भी यूज़ करें तो इंशाल्लाह हम जल्द ही होममेड केचप भी बनाएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम आपके लिए केचप भी लेके आएं। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं दोबारा फ्राई करने से जो हमारा क्रिस्प है वो और क्रिस्पी हो गया है और ये अच्छे से हो गए हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी बचे हैं हम उनको भी अगेन सेकेंड को फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए हमारी नई रेसिपी का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।